हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। पिछले वीडियो में हम इनपुट डिवाइस शुरू किए थे। कुछ डिवाइस को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में आगे का जो भी डिवाइस है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे कुछ डिवाइसेस दिख रहे होंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी किए होंगे। इस डिवाइस का नाम है जॉयस्टिक। ये इससे पहले हमने तीन डिवाइस को कवर कर चुके हैं। वो डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, और इस वीडियो में बाकी हम लोग पाँच छः और डिवाइस को कवर करेंगे। तो ये डिवाइस देखिए, ये जॉयस्टिक, इसको भी जॉयस्टिक बोलते हैं। ये जो है इसे भी जॉयस्टिक बोलते हैं, और ये जो है इसे भी जॉयस्टिक बोलते हैं। ये दोनों गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। गेम कंप्यूटर में आजकल तो बच्चे मोबाइल में ही गेम खेल लेते हैं, बहुत सारे सेंसर उसमें दिए रहते हैं, तो काम चल जाता है उनका उसी से। पहले इसी से गेम खेलते थे, इससे रेस लगाना या फाइटिंग करना कुछ भी हो इसी से करते थे वो। तो ये मेनली कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है। आप गेम खेल रहे हैं तो गेम को कंट्रोल करना है तो आप यहीं से कंट्रोल करते हैं। तो जॉयस्टिक का यूज किस लिए किया जाता है? प्ले वीडियो गेम, बस। उसके बाद है लाइट पेन। ये सारे डिवाइस के बारे में हम लोग एक एक लाइन, दो दो लाइन पढ़ते हुए निकल जाएंगे। ये इसको बस जान लेना है कि हाँ, ये इनपुट डिवाइस होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। लाइट पेन देखिए, लाइट पेन यहाँ आप देखिए, एक पेन है, इसमें वायर लगा हुआ है। ये वायर आप कंप्यूटर के यूएसबी में, जो भी यूएसबी पोर्ट होता है उसमें लगाइएगा, इसका पिछला सिरा, और ये हो गया आपका पेन। ये पेन का नीब है, और इससे एज ए स्क्रीन टच बना लेना सिस्टम को। तो पहले तो स्क्रीन टच का आविष्कार हुआ नहीं था, तो लोग इसी को यूज करके कंप्यूटर को स्क्रीन टच बना लेते थे। जो भी कंप्यूटर के स्क्रीन पे कुछ हाईलाइट करना है, कुछ लिखना है, कुछ मेनू को सिलेक्ट करना है, तो इसी पेन को यूज कर लेते थे एज ए स्क्रीन टच। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। विच इज यूज टू हाईलाइट एनी मैटर ऑन स्क्रीन, कोई भी मैटर को हाईलाइट करना है स्क्रीन पे, तो इसी से। लाइट पेन इज पॉइंटिंग डिवाइस, इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। इट इज यूज टू सेलेक्ट डिस्प्लेड मेनू ऑप्शन ऑन द मोनिटर, जो भी मेनू दिखता है, जैसे कि आजकल हम लोग हाथ से क्लिक कर लेते हैं, तो वो पहले इसी पेन से किया जाता था। चलिए, और जो छठा नंबर जो इनपुट डिवाइस है वो टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। टच स्क्रीन आज के डेट में एक बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इसको यूज कर रहा है। ये आप लोगों के लिए कोई नया चीज़ नहीं है, ये हर जगह है। देखिए, मोबाइल में हम यूज करते हैं, लैपटॉप भी आ चुका है, ये जो दिख रहा है ये किसी कार उड़ का दिख रहा है, एटीएम में भी अब जाते हैं, वहाँ पर भी टच स्क्रीन टच पैनल होता है। तो हर जगह आजकल लगभग जगह टच स्क्रीन से ही इनपुट लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हम लोग जो भी मोनिटर पर दिखता है उसको माउस को यूज करके नहीं, हम उंगली को यूज करके डायरेक्ट टच करके इनपुट दे देते हैं। टच स्क्रीन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन दैट सेंस ओनली फिंगर टच इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉइंटिंग डिवाइस सच एज ए माउस और लाइट पेन। माउस लाइट पेन का यूज ना करके आप टच स्क्रीन का यूज कीजिए और डायरेक्ट उसको इनपुट दे दीजिए। You can use your finger to point directly to objects. मतलब अपने फिंगर को यूज करना, उंगली से ही डायरेक्टली पॉइंट कर दिए, जो निर्देश देना है डायरेक्टली टच करके दे दिए। तो ये था टच स्क्रीन। डिजिटाइजिंग टैबलेट, देखिए आज के डेट में इसका यूज काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो वो एक टैबलेट यूज करते हैं, जैसे कि हम भी उसी तरह का टैबलेट यूज करते हैं। उसमें एक पेन रहता है, ये पेन हो गया, और एक पैड होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पैड है और ये पेन है। ये पेन से उस पैड पे आप लिखिएगा, हालांकि पैड पे कुछ लिखा हुआ नहीं दिखेगा, जैसे कि हम स्लेट पे पेंसिल से लिखते थे तो कुछ लिखा उस पे उभर के आ जाता था कि हाँ, आपने जो भी ABCD लिखा है लिखा गया, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा था। आप बस यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कीजिएगा और स्क्रीन पे आपका वो आ जाएगा। अब कुछ भी लिखिएगा, अगर A लिखते हैं तो स्क्रीन पे A लिखा जाएगा।
तो ये कौन सा डिवाइस हो गया? डिजिटाइजिंग टैबलेट, शॉर्ट में इसको टैबलेट भी बोल दिया जाता है। ये मेनली कहाँ कहाँ यूज होता है? अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, या स्केचिंग करना चाहते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर, तो आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज एन इनपुट डिवाइस डैट इनेबल्स यू टू इंटर ड्रॉइंग एंड स्केचेज इन टू ए कंप्यूटर। ड्रॉइंग स्केच बनाना है कंप्यूटर के अंदर, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। डिजिटाइजिंग टैबलेट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट एंड पेन। एक टैबलेट होगा और एक पेन, स्लेट की तरह जो रहता है उसको हम लोग टैबलेट बोलते हैं। देखिए, ये इनपुट डिवाइस आजकल हर लैपटॉप में आता है। हम लोग मोबाइल के जो सामने वाला जो कैमरा होता है, जिसको हम लोग फ्रंट कैमरा बोलते हैं, वो एक तरह का वेब कैमरा ही होता है, जिसका यूज हम लोग क्या कर कहाँ करते हैं? वीडियो चैटिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो लैपटॉप में तो आ जाता है, बना बनाया उसमें इनबिल्ट रहता है, लेकिन डेस्कटॉप में नहीं रहता। तो इसको डेस्कटॉप के ऊपर अलग से लगाया जाता है। तो ये क्या करता है, आपका फेस, आपका जो भी वीडियो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर को देने का काम करता है। तो ये इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। इट इज वेरी यूजफुल इनपुट डिवाइस विच इज यूज इन मॉडर्न एज टू ट्रांसफर एनी फोटोग्राफ या वीडियो डायरेक्टली इन टू द कंप्यूटर सिस्टम। आपका फोटोग्राफ या वीडियो डायरेक्टली कंप्यूटर में चला जाता है। कहीं से आपको डिजिटल कैमरा लेने की आवश्यकता नहीं है कि पहले कैमरा में कैप्चर किए हैं, फिर कंप्यूटर को मेमोरी कार्ड के सहारे दिए, ऐसा नहीं है। कैमरा लगाएं, डायरेक्ट आपका वीडियो आपके वेब कैमरा लगाइएगा, डायरेक्ट आपका वीडियो आपके सिस्टम में चला जाएगा। वेब कैमरा इज यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो चैटिंग। आजकल हर कोई वीडियो चैटिंग करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है। माइक्रोफोन, देखिए जो माइक है ना, माइक, इसी को, इसका पूरा नाम माइक्रोफोन है, हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? माइक। तो माइक का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? हम ये माइक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरा आवाज़ मेरे कंप्यूटर को मिल जाए और वो रिकॉर्डिंग में उसे डाल दे। तो आवाज़ ये इनपुट कर रहा है, वॉइस मेरा ले रहा है। तो इट इज यूज्ड इन वॉइस रिकॉर्डिंग, इट कन्वर्ट्स आवर वॉइस इन डिजिटल फॉर्म एंड सेंड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को सेंड कर देता है। स्कैनर, देखिए स्कैनर, हम लोग कभी भी फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, तो अगर साइबर कैफे में जाते हैं तो वो स्कैनर पे आपका सिग्नेचर फोटो रखता है और स्कैन करके कंप्यूटर पे दे देता है, ताकि वो फॉर्म पे, फॉर्म तो ऑनलाइन फिल हो रहा है, ताकि ऑनलाइन फॉर्म पे आपका फोटो और सिग्नेचर डाला जा सके। आजकल लोग कैमरा से, मोबाइल के कैमरा से ही खींच के फॉर्म फिलअप कर लेता है। तो जो मोबाइल का कैमरा काम करता है कैप्चर करने का, ठीक वही काम स्कैनर करता है। हाँ, स्कैनर का क्वालिटी थोड़ा सा हाई क्वालिटी में ये कैप्चर करता है। अगर आपके पास हाई क्वालिटी का कैमरा है मोबाइल में, तो भी आप उससे हाई क्वालिटी कैप्चर कर सकते हैं। तो स्कैनर, स्कैनर क्या करता है? आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर, मतलब टेक्स्ट या फोटोग्राफ्स या ग्राफिक्स को कैप्चर करने का काम करता है, उस डाटा को लेकर डायरेक्टली कंप्यूटर को दे देता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू स्कैन एनी इमेज एंड डॉक्यूमेंट। किसी प्रकार का इमेज हो, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो या फोटोग्राफ हो या कुछ भी हो, मतलब कि हार्ड कॉपी में होना चाहिए, उसे ये स्कैन कर लेगा विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। द मेन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट एंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इज दैट यूजर डू नॉट हैव टू टाइप द इंफॉर्मेशन। इससे फायदा क्या है कि यूजर को टाइप करके डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर किसी प्रकार का, अगर नोटबुक है, अगर आपको उसको किसी को सेंड करना है, तो टाइप करके नहीं सेंड करना है, डायरेक्ट स्कैन करके उसको सेंड कर दीजिए। तो ये फायदा है स्कैनर से। तो ये डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हो गए, और स्कैनर का कुछ टाइप है। इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो लाएंगे जिसमें स्कैनर का दो चार टाइप है, जैसे कि बार कोड रीडर, जैसे कि MICR और OMR,
ये सब कुछ टाइप है, इस टाइप को हम लोग देख लेंगे। हालांकि ये इम्पोर्टेंट है, इसका कम से कम फुल फॉर्म वगैरह सब पूछा जाता है। एक OCR भी होता है, ये चार टाइप है, ये स्कैनर का ही टाइप है, इसको हम लोग देख लेंगे, फिर इनपुट डिवाइस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।